दोस्तों, क्या आपके घुटने या कमर में दर्द है? क्या बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपका कमर का और घुटने का दर्द नहीं जा रहा है? क्या आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग भी रहती है? दोस्तों, आज साउल ऑर्थोकेयर आपके लिए एक नया ट्रीटमेंट लेके आया है जिसका नाम है PEMF यानी पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी। ये क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन के पीछे दर्द, कंधे में दर्द, दूसरे जोड़ों में दर्द, ये बहुत कॉमन समस्याएं हो गई हैं। आजकल हम देख रहे हैं घर घर में ये दर्द मौजूद हैं और आजकल हमारे लिविंग स्टाइल ऐसा बन गया है, हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि ये सारे के सारे दर्द जिसको हम एक जमाने में एसोसिएट करते थे कि ओल्डर एज में होते हैं, 60-70 साल के बाद होते हैं, आजकल 25-30-35 साल के लोगों के अंदर भी कमर में दर्द, घुटने में दर्द होने लगे हैं। जो टाइम हमारा लाइफ का होता है सबसे प्रोडक्टिव होने का अपनी फैमिली के लिए, वो टाइम हम सारा का सारा दर्द में निकाल देते हैं। लोग दर्द के लिए काफी सारे इलाज लेते हैं, दवाइयां खाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सर्जरी कराते हैं, पर आज एक नया ट्रीटमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है PEMF थेरेपी या पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी। दोस्तों, PEMF का दूसरा नाम है लो फील्ड मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन थेरेपी। एक FDA अप्रूव्ड थेरेपी है, यानी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है अमेरिका की FDA, उन्होंने भी अप्रूव कर रखा है इस थेरेपी को और नासा ने इस थेरेपी को यूटिलाइज किया है एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते हैं, जिनके दर्द हो जाता है, जिनके तकलीफ हो जाती है, उनके ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया है। यानी ये थेरेपी स्पेस तक में कारगर है और नासा जैसी बड़ी संस्था भी इसको यूज करती है। दोस्तों, PEMF में अगर बात करें तो हेलमोंट्स कॉइल एक कॉइल होती है या एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर के थ्रू जाती है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। PEMF क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है इसको पल्स्ड फॉर्म में ले जाता है। यानी फील्ड आती है, जाती है, आती है, जाती है, ये एक पल्स की फॉर्म में या एक वेवी पैटर्न में आती रहती है। तो ये कॉइल आपके बॉडी के उस हिस्से में लगा दी जाती है जिनमें आपके दर्द होता है और ये सेल्यूलर लेवल के ऊपर, यानी जो हमारी बॉडी होती है वो कंपोज होती है छोटे छोटे सेल पे, उस लेवल के ऊपर हीलिंग को फॉस्टर करती है। यानी सेल्यूलर लेवल पे जब हीलिंग होने लगती है तो जो एरिया अपना क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी घुटने के घिसारे में अगर बात करें तो घुटने की गद्दी या जोड़ों की परतें या कार्टिलेज जैसे कि क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उसकी हीलिंग के अंदर हेल्प करती है ये चीज। कमर के दर्द की अगर हम बात करें तो जो मांसपेशियां हमारी दुर्बल हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द हो रहा है, उसकी हीलिंग के अंदर हेल्प करती है, उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। ओवरऑल जो बॉडी हमारी फटीग्ड हो गई है, ओवरऑल जो हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज्ड हो गई है, उसको डिटॉक्सिफाई करती है, उसमें वापस ऊर्जा देती है जिससे कि हमारी बॉडी तरोताजा फील करती है, हमारे मसल स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और जो एरिया हमारा क्षतिग्रस्त हो गया है, इंजर्ड हो गया है, वो हील्ड हो जाता है। इसके साथ साथ इसका एक और फायदा होता है कि ये स्वेलिंग भी कम करती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और काम जो PEMF करता है वो है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी ये बढ़ा देता है क्योंकि पल्स्ड फॉर्म में आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वो यूजफुल आयंस जो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उससे भी हीलिंग होती है, उससे भी क्रॉनिक पेन कम होता है, या जो 3 महीने से ज्यादा अंतराल का जो दर्द होता है, जो ज्यादातर लोगों के अंदर ज्यादा असुविधाजनक हो जाता है, उसको भी ये कम करता है। दोस्तों, PEMF थेरेपी एक्सटर्नली अप्लाइड होती है, ये नॉन इन्वेसिव थेरेपी होती है, इसके लिए आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई चीरे, कोई टाके की जरूरत नहीं है, ये डे केयर बेसिस के ऊपर होती है, बहुत ही सेफ थेरेपी होती है। कॉमन यूटिलाइजेशन PEMF थेरेपी की अगर बात करें तो घुटने के घिसारे में, कमर के दर्द में, यानी डिस्क जो बाहर निकल जाती है, स्लिप डिस्क जिसे बोलते हैं, उसमें काफी इफेक्टिव होती है। गर्दन और अपर बैक पेन में जो ऑफिस गोअर्स में खराब पोस्चर की वजह से हो जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर में, टेनिस एल्बो में, ये सब सारी की सारी कंडीशंस के अंदर PEMF थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, PEMF थेरेपी साउल ऑर्थोकेयर के हर पेन मैनेजमेंट सेंटर पे आपके लिए उपलब्ध है, आप आइए, PEMF थेरेपी जरूर लीजिए। इसके साथ साथ हमारे बाकी के होलिस्टिक ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयां, रिहैबिलिटेशन थेरेपी, डाइट, साउल ट्रैक्शन थेरेपी, इंजेक्शन, कपिंग, ड्राई नीडलिंग,
ब्रेसेस, असिस्टिव डिवाइसेस, फुट इंसोल इत्यादि आपको भी मिलते हैं। तो ये होल ट्रीटमेंट रेंज जब आपको मिलता है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, तो बिना सर्जरी के आपके दर्द का लॉन्ग लास्टिंग तक इलाज होता है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।